हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं ठेकुआ। बहुत लोग इसको पकवान भी बोलते हैं। हमारे घर में बड़ सावित्री की पूजा होने वाली है, जिसके लिए मैं इसे प्रसाद के रूप में बनाऊंगी। इसे मैं गुड़ और आटा से बनाऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसमें मैं कुछ जरूरी टिप्स दूंगी। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आपके घर में बड़ सावित्री की पूजा होती है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए हम इस खासे ठेकुआ को बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg आटा। ठेकुआ में गुड़ देने के लिए 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और सारे गुड़ को मैं इस तरह से काट लूंगी ताकि आटे में मिलाने में दिक्कत नहीं हो। इसे अच्छे तरीके से इस तरह से काट लेना है। सारे गुड़ को मैं इसी तरह से काट लूंगी। सारे गुड़ को इस तरह से एकदम क्रश कर लेना अच्छे तरीके से। इसमें हल्का सा पानी मिला देंगे। ताकि पूरा गुड़ जो है एकदम मिल जाए, घोल बन जाए। गुड़ को इस तरह से हम थोड़ा देर गुड़ को 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से गाढ़ा घोल तैयार कर लें गुड़ का, ताकि आटा में गूंथने में आसानी हो। पूरा गुड़ मैंने मिला दिया है पानी में। बस इसी तरह का घोल तैयार कर लेना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। 250 ग्राम घी डालूंगी। आटे में घी को अच्छे तरीके से इस तरह से करके पूरे आटे में मिला दें, पूरे मोयन को, ताकि पूरे आटे में घी अच्छे तरीके से मिल जाए। मोयन का अंदाज के लिए आप देखिए, देखिए इस तरह से हल्का बंधने लगे आटा, इसका मतलब हमारे आटे में घी की मात्रा ठीक है, हल्का बंध जाए। मैंने नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं। इस तरह से मैं गड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख लिए हैं। इसे मैं इसमें डाल दूंगी। 2 छोटे चम्मच मैंने सौंफ लिया है, इसमें हम मिला देंगे। इसे सौंफ और नारियल गड़ी के टुकड़े को भी अच्छे तरीके से मिला लें, ताकि सारा सौंफ का फ्लेवर आटे में आ जाए। सौंफ और गुड़ का साथ में फ्लेवर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, इसीलिए गुड़ का जब भी ठेकुआ या शक्करपारा जो भी बनाए उसमें सौंफ जरूर डालें। मैं आटे में इस गुड़ के घोल को थोड़ा थोड़ा डाल के मिला दूँ। गुड़ को भी अच्छे तरीके से पूरे आटे में मिला देना है। देखिए हमारा गुड़ और आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। देखिए कलर ब्राउन आ गया है, गोल्डन ब्राउन, इसे भी आप देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथूंगी अच्छे तरीके से। इसका टाइट डो बनाना है, ढीला ना करें आटे को, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ठेकुआ का आटा गूंदने समय एक बार पानी ना डालें, धीरे धीरे पानी डालें, ताकि हमारा डो एकदम टाइट तैयार हो। यह देखिए हमारा टाइट डो तैयार है। इस तरह से इसे तैयार कर ले और बस ऐसे करके, यह देखिए हमारा, मैंने टाइट डो तैयार कर लिया। देखिए हमारा डो कितना टाइट है, टाइट ही बना चाहिए। अब इसे इस तरह से बड़ा बड़ा बॉल बना के इस तरह से लोई बना के पहले हम बॉल बना के रख लेते हैं। यह देखिए हमें इसी तरह से सारे आटे का बॉल बना लिया है। अब इसे इस तरह के सांचे पे में हल्का घी लगा दें और इसे इस तरह से दाब के, हाँ सांचे पे इस तरह से दाब के इसका ठेकुआ बना लेना है। इसे भी थाप के
सर कुछ डिजाइन बना के बना सकते हैं अगर आपके पास ये सांचा ना रहे तो। इस तरह से इवेंटली पूरा एक तरह से ढोक लें। हमारा ये आराम से उखड़ जाएगा, चिपकेगा नहीं इसमें। इस तरह से हम सारे लोई का ठेकुआ ठोक लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल को ठोक ठोक के रखते जाएंगे, फिर हम इसे छान लेंगे। चलिए मैं सारे ठेकुए तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे सांचे से बनाए हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है, इस तरह से बनाए। बिना सांचे के बनाने के लिए आप इस तरह से पहले बॉल को सारा प्रेस कर दें अच्छे तरीके से, फिर फोक से आपको जैसा भी डिजाइन हो आप इसे बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आया बन के। ये भी कड़ी जाना देख सकते हैं ऐसे। इसी तरह से आप बिना सांचे के भी डिजाइन क्रिएट करके बना सकते हैं। ये देखिए हमने सारे ठेकुए को ठोक लिया है, अब मैं इसे छानने जा रही हूँ। चलिए हम लोग छानने तक के लिए चलते हैं। कढ़ाई मैंने घी डाल दिया, घी को गर्म होने दें। गया है, मैं इसमें एक एक करके सारे ठेकुओं को डाल दूंगी। ऐसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लें ताकि अच्छे तरीके से ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक छानते रहें। ठेकुआ को लो मीडियम फ्लेम पे छाने ताकि अंदर तक आटा पूरा दोनों तरफ से इसे अच्छे तरीके से ब्राउन होने दें। तुरंत इसे ना उलटें, तुरंत उलटने से ठेकुआ टूट सकता है, इसीलिए एक बार अच्छे तरीके से नीचे गोल्डन ब्राउन होने दें, उसके बाद उसे उलटें। ठेकुए को घी में ही छाने ताकि वो अच्छा खास्ता बनेगा। घी में छना हुआ ठेकुआ ज़्यादा खास्ता लगता है और पूजा का प्रसाद हमेशा हमें घी में ही बनाना चाहिए। देखिए हमारा ठेकुआ ब्राउन हो गया है एक तरफ से गोल्डन ब्राउन। अभी से मैं सबको पलट दूंगी, ठीक है, करके आराम आराम से पलट दूंगी। दूसरी तरफ इसे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने दो। हमारा ठेकुआ ब्राउन हो गया है, इसे मैं अच्छे तरीके से देखिए हमारा ठेकुआ पूरा दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए हमारा ठेकुआ पूरा ब्राउन हो गया है, मैंने सारे ठेकुओं को निकाल दिया है। अब मैं दूसरा ट्रिप डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं और सारे ठेकुओं को तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारा ठेकुआ तैयार है, एकदम खास्ता ठेकुआ है। आप भी अपने इसे अपने घर पे बनाएं और स्वाद लें। ये ठेकुआ आप पूजा में, तीज त्यौहार में कभी भी बना सकते हैं, चाहे सफ़र में ले जाना हो कभी भी बनाएं। आप भी इस ठेकुओं को अपने घर में ज़रूर बनाएं, बट सावित्री की पूजा को एंजॉय करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।